गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण में लिंग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लिंग के बारे में जानेंगे। लिंग जिस शब्द से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। इसमें केवल कोई व्यक्ति नहीं होता है, इसमें पशु पक्षी और वस्तुएं भी आते हैं, जैसे किताब, मोर, पिता, चाचा, लड़का, शेर आदि। लिंग दो प्रकार के होते हैं। पहला है पुल्लिंग, जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, पिता, घोड़ा, शेर, मोर, नाना, भाई, चाचा आदि। दूसरा है स्त्रीलिंग, जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, माता, घोड़ी, शेरनी, मोरनी, नानी, बहन, चाची आदि। इस प्रकार हम पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, यहाँ पर है चूहा, चूहा से हम स्त्रीलिंग शब्द बनाए चूहिया, सेवक से सेविका, पिता से माता, लड़का से लड़की, मोर से मोरनी, शेर से शेरनी। इस प्रकार हम और भी अनेक शब्द पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। थैंक यू।